ममता दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया था। पश्चिम बंगाल से मां माटी मानुष के लिए काम करने का वादा किया था। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल से यहां की टीएमसी सरकार ने क्या सामान्य बंगाली परिवार के जीवन में वो परिवर्तन आया जिसकी बंगाल की जनता आशा करती थी? क्या दशकों से चली आ रही खून खराबे की राजनीति में परिवर्तन आया क्या? आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है, तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होगे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी है, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है। बंगला को सुनार बंगला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया, हाय कहा? खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। शर्म लगता है कि आज वल्लभ भाई पटेल उसका नाम पे जो स्टेडियम था आपका नाम पे कर दिया। अच्छा देखो, कोविड में इतना लोग मरा, इतना पूरी प्रॉब्लम हुआ, एक दिन के लिए देखने नहीं आया, तब डर के मरते थे और वर्चुअल करते थे। मैंने कोविड का टाइम भी रास्ता है जाके राउंड मरा के हम बाजार में घूमा, रास्ता में घूमा, हॉस्पिटल में घूमा। कहा गया उजाला गैस, कहा गया उजाला का रोशनी, कहा गया कैग रिपोर्ट में भी बोला कि उजाला में स्कैंडल हुआ, उजाला में आपका आदमी सब खा लिया, गड़बड़ किया, तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटि कोटि रुपया खा लिया। इंडिया नोज ओनली वन सिंडिकेट, दैट इज नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देयर इज नो अदर सिंडिकेट, ओनली वन सिंडिकेट इज वर्किंग इन इंडिया, नरेंद्र।